अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूं तो मेरठ क्राइम सिटी के नाम से मशहूर है, ऐसे में एक मामला आज फिर देखने को मिला जहां मेरठ की सुपर टेक कॉलोनी की सातवीं मंजिल से गिरकर प्रॉपर्टी डीलर की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, इस पूरे मामले में दो पत्नियों को लेकर पहले से ही विवाद चल आ रहा था। हालांकि दूसरी पत्नी ने मृतक की पहली पत्नी पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दूसरी पत्नी के अनुसार पहली पत्नी उससे जमीन ले चुकी है और काफी समय से मृतक को ब्लैकमेल कर रही थी। मृतक की दूसरी पत्नी के आरोप लगाया कि पहली पत्नी ने पहले तो उसकी हत्या की, उसके बाद बिल्डिंग की छत से उसे नीचे फेंक दिया। दूसरी पत्नी बबली के अनुसार नीरज की पहली पत्नी उसे काफी समय से ब्लैकमेल कर रही थी और काफी पैसा अब तक ले चुकी थी। हालांकि इस पूरी घटना में पुलिस जांच की बात कह रही है। पुलिस ने सबका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की बात की। मेरे पति यहाँ रहते थे। मेरा नाम बबली है। क्या मामला था ये कि इन्होंने कितने दिन से इन्हें ब्लैकमेल कर रही थी? किसे? नीरज को। कमलेश और रिया राणा। कभी कहती है मेरे इतने पैसे लेकर भाग गया, कभी इतने, कम से कम 2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो ये खा गए दोनों माँ बेटी। सब मकान उकान सब बेच दिया इन्होंने और इन्हें ला के दे दिया और परतापुर में जमीन ली थी इन्होंने। अब कहती है अपने नाम से ली मैंने तो, और अब कुछ नहीं रहा उसके पास में, तो आज इन्होंने इस काम कर दिया। कैसे? ऊपर से फेंक दिया मार के। अच्छा, कुछ लोगों का कहना कि आत्महत्या है? कुछ लोगों का कहना आत्महत्या है। आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या आपसे पहले तो नहीं हुई? आत्महत्या वो आज ही थोड़ी है, थोड़ी हाथ उंगली काट ली, हाथ काट लिया। वे प्रतापुर इंद्रापुरम कॉलोनी में रहते थे, वैसे यहीं से फ्लैट ले रखा इन्होंने। 20 हम रह गए, तीनों माँ बेटा, बाकी ये फ्लैट ले रखा है। 15-20 लाख का सामान है हमारा फ्लैट में। कौन सा फ्लैट है आपका? 801 है, 402 है। दो फ्लैट है माँ बेटियों के। अच्छा, आपको किस पे तक है? इन यही कमलेश राणा, रिया राणा, विपुल राणा। कहाँ रहते हो? वो यही रहते हैं, 400 अंदर है, अंदर है, अंदर से। कॉलोनी का नाम क्या? ये ग्रीन विलेज, ग्रीन विलेज सुपर टेक, ई ब्लॉक। देखिए, पुलिस को इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया कि एक व्यक्ति वो छत के ऊपर से गिरा है। जब पुलिस ने इसमें तफ्तीश करी तो कुछ इस तरह के आरोप भी पाए गए हैं, जिसमें एक दूसरे पक्ष के द्वारा कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस व्यक्ति को मारा गया है। पुलिस सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराई जाएगी, उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या प्रॉपर्टी डीलर का किसी इस तरह की ये बात सामने आई है कि जो दूसरी लड़की उनके साथ रह रही थी वो या तो उससे शादी हो चुकी है या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप था या क्या था, इस तरह की पुलिस अभी छानबीन भी कर रही है।